हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान संजय कुमार मिश्रा जी के इस कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी लोग अपने प्रश्न, सुझाव या क्वेरी के अनुसार वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं, क्योंकि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आती है आप ही लोगों के प्रश्न, सुझाव, कमेंट के अनुसार लगातार। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो आज की वीडियो में हम आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के हॉस्पिटल केयर राइडर की डिटेल को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे हॉस्पिटल केयर राइडर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हॉस्पिटल केयर राइडर लेना चाहते हैं तो इसको लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 18 साल से लेकर के 65 साल तक की, और अधिकतम जो राइडर का टर्म मिल जाएगा वो आपके 70 साल की आयु तक का ही होगा। यानी कि जो राइडर टर्म है वो कम से कम 5 साल का होगा, अधिकतम 52 साल का होगा, लेकिन कब तक काम करेगा, जब तक आप 70 साल की आयु के होंगे राइडर टर्म के अंदर तब तक ही ये काम करेगा, उतना ही आप राइडर टर्म ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म भी उतना ही है जितना आपने राइडर टर्म लेंगे। 5 साल का लेंगे तो 5 साल लगातार प्रीमियम पे करेंगे, राइट? यानी कि जितने साल का राइडर टर्म उतने साल लगातार प्रीमियम पे करना। राइडर सम अश्योर्ड कम से कम 1.5 लाख रुपए का है, अधिकतम जो है 15 लाख रुपए का लिमिट रखा गया, लेकिन ये निर्भर करेगा कि आपकी बेस पॉलिसी का सम अश्योर्ड कितना है। उसका 100% भी हो सकता है, लेकिन 15 लाख से ज्यादा नहीं होगा एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आइए अब हम जानते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के हॉस्पिटल केयर राइडर के बेनिफिट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले, हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और आपने 24 घंटे कंप्लीट कर लिए हैं उसके बाद से ही आपको हॉस्पिटल केयर राइडर के बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, डेली कैश बेनिफिट, जो कि आपके राइडर सम अश्योर्ड का 0.4% होगा हर दिन। फिर है रिक्यूपरेटिंग बेनिफिट। ये जो रिक्यूपरेटिंग बेनिफिट है इसका मतलब क्या है, एक डिजीज या एक बीमारी या एक्सीडेंट के चलते आपको 7 दिन हॉस्पिटलाइजेशन में हो गए हैं तो ऐसे में आपके राइडर सम अश्योर्ड का 1.2% आपको कैश बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। एक साल के अंदर जो आईसीयू का जो ट्रीटमेंट का जो लिमिट रखा गया है नंबर ऑफ डेज का, वो है 15 दिन। यानी कि 15 दिन तक अगर आईसीयू बेनिफिट ट्रीटमेंट चलता तो वो अंडर द कवर आएगा। अमाउंट सेम ही होगा राइडर सम अश्योर्ड का 0.4%। मिनिमम कैश अमाउंट का लिमिट है 600 रुपए प्रतिदिन, मैक्सिमम है 6000 रुपए प्रतिदिन, राइट? इस बीच आप चुन पाएंगे अमाउंट। एनुअल लिमिट जो यहाँ पे देखने के लिए मिलती है वो डेली कैश बेनिफिट 100 टाइम्स, यानी कि 600 रुपए प्रतिदिन चुना तो उसमें आप 100 का गुणा कर दीजिए, एक साल का ही लिमिट हो जाएगा डेली कैश बेनिफिट। पूरे एंटायर पॉलिसी का जो लिमिट है वो डेली कैश बेनिफिट का 250 गुना है, यानी कि 6000 रुपए प्रतिदिन कैश बेनिफिट आपने चुना है तो उसमें आप 250 का गुणा कर लीजिए। अब हम यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के हॉस्पिटल केयर राइडर के कुछ कंडीशन समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें 90 दिन का वेटिंग पीरियड है, यानी कि राइडर लेने के 90 दिन बाद अगर हॉस्पिटलाइज होते तो ही ये राइडर काम करता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी कि जो पहले से चलती आ रही हेल्थ समस्याएं आपको हैं उनके लिए 48 महीने रुकना होगा। एनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती हैं उसके लिए आपको कोई कवर नहीं मिलता है अंडर द हॉस्पिटल केयर राइडर, ठीक है जी। इसी के साथ में अगर आप सेल्फ इंजरी करते हैं, या बहुत से लोग होते हैं किसी भी रीजन के सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और बच जाते हैं, या मेंटल कंडीशंस की वजह से कोई आप ऐसा जो कदम नहीं उठाना चाहिए वो उठा लेते हैं तो भी अंडर द कवर नहीं होगा। कोई भी आप अपने जीवन को जोखिम में जानने वाला स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी क्रिमिनल या अनलॉफुल आप इलीगली एक्टिविटी करते हैं तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, उससे जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशंस, सेक्स चेंज ऑपरेशन, इनफर्टिलिटी या अबॉर्शन, ये भी अंडर द कवर नहीं है इसमें। डेंटल ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे वो भी अंडर द कवर नहीं होगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट के चलते ही डेंटल ट्रीटमेंट हो रहा तो वो अंडर द कवर होगा। कॉन्जेनिटल डिजीज और जो जेनेटिक डिसऑर्डर है या बर्थ डिफेक्ट है वो अंडर द कवर नहीं है। ऐसी जगह जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जाने के लिए मना कर रही है, नो एंट्री का बोर्ड लगाया हुआ है, जैसे कि वार जोन या कोई रिसर्च सेंटर हो सकता है, और वहाँ आप जाते हैं तो भी कुछ भी अगर आपको होता तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बाकी कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड रखा गया है, जैसे कि कैटरेक्ट है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज है, हर्निया रिपेयर है, इन सब पे हमें 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड देखने के लिए मिलता है। बाकी डिजीज के जो नाम है वो स्क्रीन के ऊपर है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इससे आपका समय बच जाएगा। बात आती है टैक्स बेनिफिट की, तो प्रीमियम पे करते हैं ATC के अंदर रिबेट मिलती है, आपको पता है जो बेनिफिट होंगे वो अंडर सेक्शन 80D के अंदर आपको मिल जाते हैं, राइट। बाकी जो एक्स्ट्रा कैश बेनिफिट होता है लमसम जो मिलता है वो 10D के अंदर भी मिल सकता है माइट भी। अब जो इसका प्रीमियम होता है ना वो निर्भर करता है आपकी आयु के ऊपर, बेस प्लान में क्या सम अश्योर्ड ले रहे हैं, कितना
कितना आप कवर लेना चाहते हैं, आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कोई प्रीमियम रेट चार्ट अवेलेबल नहीं कराया हुआ अपनी वेबसाइट पे, तो हम आपको प्रीमियम चार्ट के अनुसार प्रीमियम रेट नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो कहां से बताएं। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिए।